गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद, जय हिंद। वाराणसी डिफेंस एकेडमी में सभी हमारे जो बंधु हैं सभी को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे डायरेक्टर जी वीडीए वाराणसी डिफेंस एकेडमी के मनोज सिंह जी और वीडीए में जो सारी सुविधाएं जो फैसिलिटी आपको दी जा रही है, इस फैसिलिटी से आप डे बाय डे आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो। ये हमारी जो वीडीए है वाराणसी डिफेंस एकेडमी है, आपके लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार है। आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को जो है पालें। एक वीडियो का सबसे अहम मुद्दा है, अहम उद्देश्य है, एम है कि आप एसआई में, यूपीपी में या आर्मी में आपकी जो टारगेट बनी हुई है आप उस टारगेट को कंप्लीट करें। मैं अनिल सर, वीडियो वाराणसी डिफेंस एकेडमी के सर, आपको इसके बारे में ये वीडियो यहीं तक नहीं है, इसकी जो थिंकिंग पॉइंट है वह हाई लेवल तक। अभी आप यहां देख रहे हो, अगले कुछ ही दिनों में ये और भी आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, हर संभव कोशिश कर रही है। तो मैं आज आपको मैथ में हम दो डिजिट का मल्टीपल कैसे करते हैं, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई विद टू डिजिट नंबर क्विक, जल्दी से हम दो नंबर का मल्टीपल कर लेते हैं, गुणा करते हैं कैसे। हम 25 and 25, सपोज आपको बोला गया, कभी कभी आपको पेपर में आता है 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप करते क्या हो, आप यहां ले आकर जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी तरह आप गुणा करते हो। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं, इकाई का जो अंक है वह 5 और 5 है, 10 होना चाहिए। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। इधर का जो नंबर है वह सेम होना चाहिए, यानी जैसे 2 है तो 2 है, इसका योग 10 होना चाहिए तो 10 है। आपको इन दोनों नंबरों को सीधे पकड़कर मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए, तो 5 5 = 25। इधर जो अंक है, किसी एक अंक में आप 1 ऐड कर दीजिए, जैसे 2 है तो 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3। तो ये अब 3 हो गया, 3 × 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 × 6, ये आपको 625। 35 का स्क्वायर, तो आप जब 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 35 × 35, यहां पर 25, यहां 3 1 आ जाएगा, 4 4 3 12, इसके आपको सलूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है, दूसरे तरीके से होता है कि जब ये सम ना हो, यानी ऊपर का अंक और ये इकाई का अंक जोड़ दे 10 ना हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। जैसे हमने लिखा 26 and 37, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और हमें गुणा करकर यहां लिख देना है क्या आएगा इसका सम। सिंपली 7 का 6 में आप मल्टीपुल करिए, 7 6 42 2 4। पहले आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आता है दोनों को जोड़ दीजिए, जो आता है यहां लिख दीजिए, बाकी फिर इधर आप मल्टीप्लाई करिए, जो बचता है इसमें जोड़कर रख दीजिए, वही आपका सलूशन आ जाएगा। तो 7 7 = 42, 2 हो गया, 4 आपको कॉमन हो गया। इसका इधर करेंगे तो 7 × 14 और 3 6 18, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 32 हो गया,
आपको जो हैंड है कैरी है 4, उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए 36, तो 6 आप लिख दीजिए, 3 को कैरी कर लीजिए, 3 आपके पास कैरी हो गया। यहां से इसका इसका डायरेक्ट आप मल्टीपुल कर दीजिए, 3 गुनी 6 और 6 में ये जो कैरी आया है इसको ऐड कर दीजिए, तो 962 इसके जो है क्विक सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। आप उस तरह से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको उतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाती, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मेहनत करने पर आपको सारी वैल्यू क्लियर हो जाती है। ये 2 डिजिट का है, 2 डिजिट नंबर, इन्हीं 2 डिजिट के नंबरों का ही हम कंप्लीट करते हैं। तो आज हम यहीं तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट आपको वीडियो में हम इसके आगे जो है आपको देंगे। थैंक यू।